myself Dr. Anu Kapoor, Government College Principal. आज हम ज्ञान दूत 2 के अंतर्गत प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी लिविंग सेल्स के अंदर होती है और ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बिना प्रोटीन सिंथेसिस के किसी भी लिविंग सेल का बहुत समय तक जीवित रहना या कार्य करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर लिविंग सेल में बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और हर बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो सारे जो एंजाइम्स हैं जो किसी भी लिविंग सेल के अंदर अपना फंक्शन करते हैं, किसी भी एक्टिविटी की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, वो सब नेचर में प्रोटीन ही होते हैं। तो इसलिए सारी लिविंग सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उनमें प्रोटीन सिंथेसिस लगातार होता रहता है। ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इसके सिंथेसिस में भी कई प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को डिसाइड करता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच सेल्स मेक प्रोटीन्स। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हम प्रतिलेखन और ट्रांसलेशन को हम अनुवाद कहते हैं। जैसे सिंपल, हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद करते हैं तो उसे ट्रांसलेशन कहलाया जाता है। ऐसा ही प्रोटीन सिंथेसिस में भी होता है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, जब पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार होती है। एक और डेफिनेशन हम इसकी यहाँ देख सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, DNA विद इट्स करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन सर्व्स टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स दैट डिटरमिन द फिनोटाइप। तो ये हमें पता ही है कि DNA में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती रहती है, और इस रेप्लिकेशन की अगर प्रक्रिया, जैसे यहाँ लिखा है, अगर करेक्ट मैकेनिज्म सही तरीके से हो रही है तो जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पहुँचती रहती हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोटीन में ट्रांसलेट होती हैं और ये ही बाद में किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिर फिनोटाइप को बताती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। ये हम पहले से भी जानते हैं कि प्रोटीन का नाम आते ही हमारे मन में ये 2 वर्ड्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, आ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोटीन सिंथेसिस का ये भी है कि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। न्यूक्लियस में जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहीं ट्रांसलेशन का काम साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इस मैकेनिज्म को आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस को 1958 में क्रिक ने बताया था, और उन्होंने सबसे पहले यही प्रपोज मैकेनिज्म किया था कि DNA से RNA बनता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन बनता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्योंकि DNA से जब RNA बनता है तो इसमें कोई लैंग्वेज का चेंज नहीं होता है। DNA से ट्रांसक्राइब करके RNA सिंगल स्ट्रैंड बन के आता है, और RNA यहाँ न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है प्रोटीन बनने पर चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। तो
जब लैंग्वेज चेंज हो रही है तो इसलिए से ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्राइब, क्योंकि ये मैसेज ला रहा है, किसका मैसेज ला रहा है, प्रोटीन बनने का, और इस मैसेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है अमीनो एसिड की लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए बहुत सिंपल सा हम इसे याद कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में मैसेज आया और ट्रांसलेशन में जो प्रोडक्ट बनना है वो बना। ये मैकेनिज्म सेंट्रल डॉग्मा एंड सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी समय तक हम सेंट्रल डॉग्मा ही इसको बोलते थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस डीएनए से, ये एक वन वे चैनल है कि डीएनए से प्रोटीन बन जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ साइंटिस्ट ने जब डिटेल में इसको स्टडी किया और बहुत सारी टेक्निक सामने आई, तब ये पता चला कि डीएनए से प्रोटीन बन सकता है और प्रोटीन से फिर से आरएनए और डीएनए बन सकता है। तब इसको फिर रिवर्स डॉग्मा का नाम दिया गया। तो यहाँ हम इसको पढ़ भी सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच पोस्टुलेट्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स टू प्रोटीन। ये सबसे पहले क्रिक ने 1958 में दिया था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस सेंट्रल डॉग्मा इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ कोड सिंस डीएनए एंड मैसेंजर आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स ए चेंज ऑफ कोड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस टू अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, नो चेंज इन द लैंग्वेज एंड आरएनए से प्रोटीन में चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल डॉग्मा द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली इन द वन डायरेक्शन, बट इन 1968 एक साइंटिस्ट आए बैरी कॉमनर, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये सर्कुलर है, इट इज़ नॉट ओनली वन डायरेक्शन बट इट इज़ सर्कुलर, दैट इज डीएनए ट्रांसक्राइब आरएनए, आरएनए ट्रांसलेट्स इनटू प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस आरएनए एंड आरएनए सिंथेसाइजेस डीएनए। तो ये सर्कुलर फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है। जब उन्होंने इस चीज़ को पोस्टुलेट किया तो कुछ समय के बाद टेमिन 1970 रिपोर्टेड द एक्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कि एक ऐसा ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है जो आरएनए पर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए से आरएनए बनाता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को उन्होंने रिपोर्ट किया, जिससे कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से डीएनए बन सकता है। जी बाल्टीमोर ने 70 में इसकी एक्टिविटी कुछ आरएनए ट्यूमर वायरसेस थे उसमें दिखाई, तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि ये जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम एग्जिस्ट करता है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स या फिर जिसे हम टेमिनिज्म कहते हैं, सारा मेरा तो लग जाओ मैं दे दूंगी। डीएनए पॉलीमरेज, तो इस वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स और टेमिनिज्म इसको कहा गया, सजेस्टिंग दैट द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन बट कैन आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। द सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोअर्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, ट्रांसलेशन प्रोटीन, इनवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और हमको यहाँ पर डीएनए
मिल जाता है। तो ये हम यहाँ डायग्राम में भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जहाँ पर सेंट्रल डॉग्मा में हमने केवल वन डायरेक्शन फ्लो देखा था इन्फॉर्मेशन का, वहीं हमने सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स में इसका जो फ्लो है वो सर्कुलेशन में देखा है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित। अब हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका अमीनो एसिड्स है। जितनी भी साइटोप्लाज्मिक पूल में अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। राइबोसोम्स, राइबोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जिससे जुड़ करके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती है। इसमें मैसेंजर आरएनए के लिए जगह होती है और ट्रांसफ़र आरएनए जो अमीनो एसिड को लेकर आता है मैसेंजर आरएनए के कोड को डिकोड करने के बाद। तो ये दोनों ही राइबोसोम से अटैच होते हैं जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू होता है और यहाँ पर ही ये कंप्लीट होती है। फिर मैसेंजर आरएनए, तो इसके बिना अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगा। ट्रांसफ़र आरएनए, अमीनो एसिड्स डायरेक्टली राइबोसोम पर नहीं आ सकते, उन्हें ट्रांसफ़र आरएनए लेकर आता है राइबोसोम तक। तो ट्रांसफ़र आरएनए इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जब कोई भी फंक्शन होता है। अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, तो अमीनो एसिड जिस अमीनो एसिड को आना होता है उसको पहले एक्टिवेट होना होता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होता है और फिर राइबोसोम पर पहुंचता है। पेप्टाइड पॉलीमरेज सिस्टम, तो जब एक अमीनो एसिड आता है और उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड आता है तो उसको जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो पेप्टाइड पॉलीमरेज सिस्टम होता है। कोई भी काम सेल में होता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एटीपी और जीटीपी दोनों काम में लाए जाते हैं। कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कैटायंस हैं। तो ये सारी हम कह सकते हैं एक रेसिपी है, रेसिपी के प्रोटीन सिंथेसिस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम यहाँ पर हमने देखे कि अमीनो एसिड्स, राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, एंजाइम्स हैं एटीपी जीटीपी एनर्जी के लिए और कुछ फैक्टर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस के लिए। नाउ मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो दोनों में ही जो बेसिक स्टेप्स हैं अमीनो प्रोटीन सिंथेसिस के वो यही हैं कि उसका इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग होगा, फिर चेन का इलोंगेशन होगा जितनी बड़ी उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए चेन पॉलीपेप्टाइड की चाहिए और उसके बाद जब वो चेन कंप्लीट हो जाएगी तब उसका टर्मिनेशन होता है और वो फ्री कर दी जाती है राइबोसोम से अपने एक्शन के लिए कि अभी ये कंप्लीट प्रोटीन बन गया है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, इसके बनने के लिए ही कम से कम 200 डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशिएशन का जो स्टेप है उसमें क्या ज़रूरत होती है, उसमें ज़रूरत होती है कि जो मैसेंजर आरएनए है जो रिलीज़ हुआ है डीएनए से और फिर साइटोप्लाज्म में आया है उसकी राइबोसोम से बाइंडिंग हो, फिर सेलेक्शन ऑफ द इनिशिएशन कोडोन, क्योंकि इनिशिएट जो कोडोन होता है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक स्पेसिफिक कोड होता है, कोई भी कोड चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो जो इनिशिएटिंग कोडोन है वो सेलेक्टिव होता है। अमीनो एसिड का फिर एक्टिवेशन कोड आ गया तो अब उसका अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड है डी कोड होने के बाद उसका एक्टिवेशन होता है
और इस अमीनो एसिड का फिर उसके ट्रांसफ़र आरएनए से जोड़ना, और ट्रांसफ़र आरएनए से जोड़ने के बाद इसकी अपनी जगह राइबोसोम के अंदर ले लेना। फिर है इलोंगेशन। इलोंगेशन में अब क्या है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड आ गया, अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा, तो दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ना अकॉर्डिंग टू दी मैसेंजर आरएनए कोड, और जोड़ने का काम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से होता है। और इसके साथ ही जो थ्रेड है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम पर, वो 5-3 डायरेक्शन में मूव करता जाता है, जिससे कि नए जो अमीनो एसिड्स हैं वो उसमें एंटर होते जाएँ, क्योंकि राइबोसोम में दो ही जगह होती हैं जहाँ पर किसी चीज़ को प्लेस किया जाता है। तो जब दो जगह हैं तो थर्ड जो आएगा उसे आने के लिए जो पहले से प्रेजेंट अमीनो एसिड्स हैं उनको शिफ्ट होना होता है, जिससे कि चेन आगे की तरफ बढ़े, और ये चेन 5-3 OH से अमीनो एसिड साइट की तरफ बढ़ती जाती है। तो और इस तरह से एक एक करके कोडोन आते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बनते चले जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बनते चले जाते हैं। लास्ट में टर्मिनेशन, कोई ऐसा कोड आता है जो काम करता है टर्मिनेशन का, जिसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीकोडोन अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब है अब चेन को टर्मिनेट होना है। तब वहाँ पर दूसरा कोई भी अमीनो एसिड आकर चेन से अटैच नहीं होता है, चेन टर्मिनेट हो जाती, बंद हो जाता है उसका बनना, और जो हमारे पास राइबोसोम हैं उनके दोनों जो पार्ट हैं स्मॉल और लार्ज अलग अलग हो जाते हैं, और चेन बीच में से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिससे कि वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम में लगने के बाद, वो है अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। यहाँ पे लिखा है, जैसे आपको पहले बताया कि अमीनो एसिड अकेले ही आकर के राइबोसोम से अटैच नहीं हो सकते, उन्हें अपने पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जुड़ कर आना होता है, और हर एक अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए होता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए उसका स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए, तो जितने अमीनो एसिड हैं उतने ही ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें एक दूसरे को रिकग्नाइज करना होता है। ट्रांसफ़र आरएनए अपने अमीनो एसिड को जब वो एक्टिवेट हो जाता है रिकग्नाइज करता है, अपने से अटैच करता है, और फिर राइबोसोम पर लेकर आता है जहाँ पर ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए अपने कोड के साथ आया हुआ है। और इसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है अमीनो एसिड के एक्टिवेशन की। क्या मतलब इसका, कि वैसे तो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं लेकिन ये सारे इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे ही कोई मैसेंजर आरएनए आता है और उससे रिलेटेड जो उसका अमीनो एसिड होता है उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक स्पेसिफिक एंजाइम की, जिसे कहते हैं अमीनो एसाइल सिंथेटेज, और एनर्जी के रूप में एटीपी की। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंड एटीपी, पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है। द फ्री अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद एटीपी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसाइल एडीनाइलेट एंड पाइरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमीनो एसिड एटीपी और ये एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज, इनके रिएक्शन से अमीनो एसाइल एडीनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है और पाइरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट है, सेल हैज़ एटलीस्ट 20 अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम्स फॉर द 20 अमीनो एसिड्स। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक एंड इट अटैचेस विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर
अमीनो एसिड के लिए उसका अपना पर्टिकुलर एंजाइम होता है, और वो पर्टिकुलर एंजाइम ही उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड से जिसकी ज़रूरत उस समय है उससे जुड़ता है बिना किसी भी एरर के, क्योंकि अगर यहीं एरर होगी तो आगे सारा जो मैकेनिज्म है वो पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप, आप जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया अपने एंजाइम से, तो उसका है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। अब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो अब अपने ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो सकता है। तो ये हम यहाँ देखते हैं अमीनो एसिड, ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना था, अब ये ट्रांसफर आरएनए पे आता है और ये एंजाइम इस अमीनो एसिड को इस ट्रांसफर आरएनए पर डिपॉजिट करके खुद फ्री हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, तो एएमपी ट्रांसफर आरएनए, और यहाँ पर अब ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का जो ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स है, ये अब ट्रांसफर राइबोसोम पर ट्रांसफर होता है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है अमीनो एसिड सिंथेसिस में, क्योंकि यहीं पर ये डिसाइड होता है कि कौन से अमीनो एसिड को राइबोसोम पर जाकर अटैच होना है। और ये जो करेक्शन है कि राइट अमीनो एसिड जाए, ये एंजाइम इसको देखता है कि कोई भी गलती नहीं हो, सही अमीनो एसिड ही ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो और यही फिर राइबोसोम पे जाए, और कोई छोटी मोटी गलती होती है तो ये एंजाइम इसको करेक्ट कर देता है और यही फिर ट्रांसफर आरएनए इस करेक्ट अमीनो एसिड को अपने राइबोसोम पर लेके जाता है। तो रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम्स चेक्स फॉर करेक्ट बाइंडिंग बिफोर द रिलीज ऑफ चार्ज ट्रांसफर आरएनए। इफ एन एरर हैज़ बीन मेड, द रॉन्ग अमीनो एसिड इज़ रिमूव्ड एंड द करेक्ट वन इज अटैच्ड। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेल ही इसको पूरी तरह से फॉलो करती है कि गलत अमीनो एसिड किसी भी तरीके से जाके राइबोसोम पर अटैच ना हो, जो करेक्ट है, जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आया है उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड जाकर राइबोसोम से अटैच हो। तो ये हमारा बिगनिंग का हुआ, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के संग संग इलोंगेशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम से देख सकते हैं कि AUG ये यहाँ का इनिशिएटिंग कोडोन है, 5 to 3 ये बढ़ती है, ये छोटा स्मॉल पीस राइबोसोम का, ये बड़ा पीस राइबोसोम का, और ये फर्स्ट यहाँ पर अमीनो एसिड AUG जो कि इनिशिएटिंग कोडोन है। इसके बाद जैसा मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो अमीनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर अमीनो एसिड अटैच हो सकते हैं, तो अब ये दोनों प्लेसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर थर्ड, क्योंकि मैसेंजर आ रहे हैं तो थर्ड यहाँ पर अमीनो एसिड आया, तो इसके लिए ये जो मूवमेंट है राइबोसोम का इस मैसेंजर आरएनए थ्रेड पर 5 to 3 की तरफ बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ेगा तो जो फर्स्ट है वो बाहर आ जाएगा, जो सेकंड है वो फर्स्ट की प्लेस ले लेगा, और जो सेकंड प्लेस है वो फिर आने वाले अमीनो एसिड के लिए खाली हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये नेक्स्ट इसमें आया, ये इन्होंने इनिशिएटिंग कोडोन, फिर ये दूसरा कोडोन, थर्ड यहाँ पर आया। तो जो मूवमेंट है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये एक ट्रांसलोकेशन एंजाइम है, फैक्टर है EFG, उसकी प्रेजेंस में होता है। और हमने देखा कि जैसे ये फैक्टर आया तो ये थ्रेड से आगे खिसका राइबोसोम, इनिशिएटिंग फैक्टर बाहर आ गया, ये दो यहाँ पर अमीनो एसिड हैं और बीच में इनके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से ये चेन धीरे धीरे आगे चलती रहती है। तो हम क्या देखते हैं, इलोंगेशन के समय इजेक्शन ऑफ द डिस्चार्ज ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम पी साइट, तो पी और ए दो साइट है, तो जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है इनिशिएटिंग वो बाहर कर दिया जाता है। मूवमेंट और फिजिकल शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए डाइपेप्टाइड फ्रॉम द ए साइट टू द पी साइट
तो फिजिकली शिफ्ट होता है, और थर्ड है मूवमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज सच दैट द इफेक्ट इज द एपरेंट मूवमेंट टू द राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो है मूवमेंट वो 5-3 डायरेक्शन में ही होता रहे, इस बात को ये एंश्योर करता है। तो ट्रांस इलोंगेशन के बाद लास्ट है टर्मिनेशन। और जैसा कि बताया, टर्मिनेशन के समय कोई भी ऐसा कोड UAA, UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी अगर आ जाता है तो उसका कोई भी एंटी कोडोन नहीं होता और चेन फिर का आगे बढ़ना रुक जाता है। इसमें तीन फैक्टर्स RF1, RF2 और RF3 काम में आते हैं। RF1 तो UAG को रिकग्नाइज करता है, RF3 फैक्टर UGA को, RF2 UGA को रिकग्नाइज करता है, RF3 जो है वो RF1 और RF2 को रेगुलेट करता है। तो इस तरह से कोई भी अगर टर्मिनेटिंग कोड यहाँ पे आ जाता है तो फिर चेन रुक जाती है, और चेन रुकने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस फिनिश, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना बंद हो जाता है। और इस सिग्नल के साथ ही जो दोनों स्मॉल और लार्ज बॉडीज़ हैं, पार्ट्स हैं राइबोसोम के, वो अलग अलग हो जाते हैं और चेन फ्री होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और ये राइबोसोम फिर से साइटोप्लाज्म में जाके नई चेन शुरू करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किसी भी लिविंग सेल में पूरा होता है। ये हमने जनरल करेक्टर्स देखे जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर मिलते हैं। इनिशिएशन दोनों में होगा, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर जब हम यू और प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं, कुछ थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट सेल है विद न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डायरेक्टली अलग से नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दिस इज़ अबाउट द जनरल फीचर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन एनी लिविंग सेल। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।